आइए आपको एक कहानी सुनाता हूं और उससे आप तय कीजिए कि क्या वाकई जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार यमराज ने अपने एक यमदूत को एक औरत को लेने के लिए धरती पर भेजा। जब यमदूत धरती पर पहुंचा तो उसने देखा उस औरत के पास में दो मासूम बच्चियां जिनकी उम्र करीब 2 साल की थी, एक रोते रोते सो चुकी थी और दूसरी उसके पास में ही रो रही थी। उनको देखकर उस यमदूत को लगा कि लगता है भगवान से कुछ गलती हो गई। वो उस औरत की आत्मा को लिए बिना ही वहां से वापस लौट गया और जाकर यमराज से बोला, प्रभु क्या उस मृत शरीर में थोड़े समय के लिए जान नहीं डाल सकते? उनकी बेटियां बहुत छोटी छोटी सी हैं, पिता भी नहीं है, अनाथ हो जाएंगे, मर जाएंगे। यमराज अपने यमदूत को देखते हैं और बोलते हैं, तुम परमात्मा के काम में विघ्न डाल रहे हो, तुम्हें क्या पता कि वहां उनके भाग्य में क्या लिखा है? यमराज ने कहा कि तुम सीधे धरती पर जाओ, क्योंकि तुमने इस पर संशय प्रकट किया है तो इसलिए आपको ये सजा दी जाती है कि जब तक 3 बार तुम अपनी मूर्खता पर हंसोगे नहीं, तुम धरती से वापस नहीं लौटोगे। इतना कहते ही वो यमदूत धरती पर एक मंदिर के पास में आके गिर पड़ा। ठंड का समय था, धरती पर आते ही उसे ठंड महसूस होने लगी। उधर ही से एक जूता बनाने वाला एक मोची गुजर रहा था। उसकी पत्नी ने उसको 2 आने दिए थे कि जाओ जाके बाजार से एक कंबल लेते आओ, जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो ठंड में जो कुड़कुड़ाते हैं उनको कुछ आराम मिल सके। वो लेके लौट रहा था लेकिन उसे मंदिर के पास में ये एक आदमी दिखाई पड़ा जो पूरी तरीके से नंग धड़ंग था और अपने आप को समेटे जा रहा था। उस मोची ने अपना कंबल उसको ओढ़ा दिया। उससे पूछा, भैया यहां इतनी ठंडी में अकेले ऐसे क्यों बैठे हो? रात भर में तो मर जाओगे। उसको दया आ गई उस पर। उससे पूछा, कुछ खाए हो? बोला, नहीं। वो उसको लेके घर चला आया। जब घर आया तो उसकी बीवी ने देखा और कहा, कंबल कहाँ है? डरते डरते उस आदमी ने कहा कि मैंने इस आदमी को पहना दिया, इसके शरीर पे तो कुछ नहीं था, हमारे बच्चों के शरीर पे कुछ गुदड़ी तो है। अभी ये हुआ ही था कि बीवी गुस्से से तमतमाती हुई बोली कि इससे ज्यादा हमारे बच्चों को कंबल की जरूरत है, इसको दे डाला। यमदूत मनी मन हंसा और सोचा कि अब क्या महिमा है, इन्हें पता ही नहीं है इनके घर यमदूत आया है। खैर, वो वहीं रहने लगा। क्योंकि वो मोची चमड़े के जूते बनाता था तो वो रहकर उस यमदूत ने भी चमड़े के जूते बनाने सीख लिए। बोलता कुछ नहीं था वो। देखते ही देखते उस मोची की कलाकारी पूरे राज्य में फैल गई। हर कोई उससे जूते बनवाना चाहता था। एक दिन अचानक उसके दरवाजे पर एक बड़ी सी बग्घी रुकी, ढेर सारे सैनिक। जब दरवाजा खुला तो क्या देखते हैं, शहंशाह का वजीर उनके दरवाजे पर था और वो पहुंचते ही बोला, ये जो चमड़ा लेके आए हैं ना, इससे राजा के लिए बढ़िया जूती बना दो, इतनी शानदार जितनी किसी के पास ना हो, क्योंकि ये चमड़ा बहुत बहुत कीमती है और ध्यान रखना इसमें कहीं कोई गलती ना होने पाए, राजा ने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। ये सुनते ही उस मोची के हाथ पांव फूल गए। वजीर चला गया, उसने वो चमड़ा लाकर उस यमदूत को दिया और बोला, बहुत अच्छी जूती बना दो, इसमें मेरे जीने और मरने का सवाल है, राजा के लिए जूती बनानी है, बहुत बड़ी बात है, और कहकर चला गया। शाम होते होते जब वो वापस देखने आया तो देखता क्या है, जूती नहीं बल्कि उसकी चमड़े की चप्पल बनी हुई है। और ये देख के वो माथा पीट लेता है, क्योंकि उस समय उस राज्य में जिसकी मौत हो जाती थी उसके लिए चप्पल बनाई जाती थी। और ये देखते ही
वो मोची उस यमदूत को खरी खोटी सुनाने लगता है और सोचने लगता है कि राजा अब उसका क्या हश्र करेगा। उसने उसको इतना डांटा कि उस यमदूत को दूसरी बार हंसी आ गई। अभी वो हंसा ही था कि सिपाही एक दौड़ता हुआ अचानक अंदर आता है और कहता है, सुनो, उस चमड़े से राजा की जूती नहीं बल्कि एक चप्पल बना देना, क्योंकि राजा की मौत हो गई है। ये सुनते ही वो मोची हतप्रभ रह जाता है और वो चमड़े का चप्पल उस सैनिक को वो यमदूत दे देता है। उसके बाद से मोची ने कभी उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई, वो अपना काम बकायदा करता गया। कुछ साल बीत गए, अचानक उसके दुकान पर एक दिन दो लड़कियां आई। वो लड़कियां अपनी शादी के लिए जूती बनवाना चाहती थी और वो स्पेशली इसीलिए बहुत दूर से इस मोची का नाम सुनकर आई थी। उन दोनों बच्चियों को देखते ही यमदूत ने उसे पहचान लिया। अरे, ये तो वही बच्चियां हैं जो पिछले कई साल पहले अनाथ हो गई थी, जिनकी वजह से मैं सजा काट रहा हूं। वो जानना चाह रही थी कि इन बच्चियों की शादी हो रही है और ये बच्चियां इतने अच्छे तरीके से कैसे रह रही हैं। तो उन बच्चियों के साथ कोई आया था। वो यमदूत उस महिला से पूछते हैं, ये बच्चियां कौन है? तो वो महिला बताती है, ये मेरी बेटियां हैं। यमदूत बोलता है, नहीं, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, 2 साल की थी तब इनकी मां मर गई थी। ये सुनकर वो औरत एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है और उस औरत ने फिर बताया कि उसके पास भी कोई संतान नहीं थी और इन दोनों बच्चियों के पास भी इनके माँ बाप दोनों नहीं थे, क्योंकि दोनों मर चुके थे, तो मैंने इन्हें गोद ले लिया और अब जो मेरी संपत्ति है, जो बहुत ज्यादा है, उसकी मालकिन भी यही दोनों है। यमदूत को तीसरी बार अपनी मूर्खता पर हंसी आई और वो 3 बार हंसा और फिर 3ों बार हंसने का कारण उसने अपने मोची को बताया और फिर वो इस धरती से अंतर्ध्यान हो गया। नियति क्या निर्धारित करके रखे हुए है आपके लिए, आपको भी नहीं पता। बस ये मानकर चलिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।